जनाजिन इस वक्त DGLDA आमना इमरान खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इस ग्रैंड ऑपरेशन को अपनी जेर निगरानी जो है वो मॉनिटर कर रही हैं और कौन कौन सी रुकावटें उनको फेस करनी पड़ रही हैं और ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है इनसे जानते हैं। मैम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहला ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन देख रहे हैं जो अभी मौजूदा हुकूमत के आने के बाद हो रहा है। किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है आपकी LDA की, कौन कौन सी मशीनरी और कितने लोग जो हैं इसमें मुलव्वस हैं? जी, इसमें माशाल्लाह से बड़े स्मूथली ऑपरेशन चल रहे हैं। जैसे आपको पता है ये पूरी कंट्री वाइड ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई है और आज माशाल्लाह बड़े पुरमन तरीके से यहाँ जौहर टाउन में इस एरिया में हम कर रहे हैं और कोई मुजाहमत भी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जिन्होंने कब्जा किया हुआ था वो लोग पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं। हमने बाकायदा तौर पर इश्तहार भी दे दिया था, पब्लिक नोटिस भी 2-3 दफ़ा दे चुके हैं ताकि लोगों को पता हो और उस हिसाब से बस हम क्लियर करें, तो बस इंशाल्लाह आप देखोगे। अच्छा मैम, ये तो कुछ कब्जा माफिया भी थे जिनका प्रॉपर नाम था और यहाँ पे वो लाखों रुपए में किराया भी मौसूल करते थे, उनके लिए क्या कानूनी चारजोई होगी? जी बिल्कुल, जो भी हम इसके ऊपर इनसे रिकवरीज भी कराएंगे, वागुजारी करें और उसके बाद जो है FIRs कटी हुई हैं और एंटी करप्शन के केसेस भी हम करें इंस्टॉल, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरी की तरफ। मुज़म्मत का सामना है? नहीं, आप देख ही रहे हो, कोई नहीं, मशीनरी पूरी है, आपको सपोर्ट दिगर इदारों। हाँ बिल्कुल। अभी एक मैसेज अगर आप देखना चाहें कब्जा माफिया को, क्या होगा? अब यही है कि देखें, ये कुछ लोग बेचारे जो कब्जा माफिया ने खुद ही कब्जा करके लोगों को आगे जगह बेच दी है, तो इसमें ये है कि आप चोरी की गाड़ी अगर आगे बेच दो किसी को और वो खरीद ले तो वो जाहिर है जिसकी चोरी की गाड़ी है उसको ही मिलेगी वापस। अच्छा, कुछ लोगों के पास पेपर्स हैं, रजिस्ट्री है? नहीं, वो जाली है, यहाँ भी हमारे चेक करें, या रेवेन्यू डेप्टी कमिश्नर भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, रेवेन्यू स्टाफ मौजूद है, पूरी बिल्डिंग वाले नोट यहाँ मौजूद हैं। अब जाहिर है जाली रजिस्ट्रियाँ बना के लोग बैठे हुए थे, तो वो उसके हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई करें। हमें ज्वाइन किया शेख जैन ने भी, जो भी सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और इस ऑपरेशन के ऊपर कड़ी नजर रखे हैं। जैन, आप क्या सुबह से देख रहे हैं? शुक्रिया मदीहा। ये जो अराजी है इसके ऊपर 10 साल पहले कब्जा किया गया था और मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर देखे हैं कि LDA की टीम ऑपरेशन करने के लिए आती है, मगर जो यहाँ पर मशहूर जमाना लैंड माफिया जिसका नाम मंशा बॉम्बे और गुज़िश्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी गूंज सुनाई दी, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर LDA की टीम पर हमला किया जाता है और आतिशी असले से किया जाता है। ये तो अब पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि इस कब्जा माफिया से के चुंगल से इस राजी को वागुजार करवाना है, तो आज ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और जिस तरह मैडम DG आमना इमरान खान इस ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं, ये 10 साल से बारहा कोशिशों के बावजूद जिस अराजी पर कब्जा नहीं जमाया जा LDA वापस नहीं हासिल कर सका, आज अगर इसको हासिल किया गया तो ये बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब इसमें भी कुछ सवाल रेज होते हैं जिसका वो मैडम DG इसके ऊपर उनको चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि कब्जा करवाया किसने? मैं एक अरसे से LDA की बीट कवर कर रहा हूँ, कब्जा LDA के अमले से मिले बगैर होता नहीं है। फिर कौन मुलव्वस से इसमें लोग, उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है कि कब्जा वागुजार करवाया जा रहा है, तो अब इसके बाद इसका क्या होगा? क्या इसको नीलाम किया जाएगा, यहाँ पर पार्क बनाया जाएगा, ये किस मकसद के लिए प्लॉट अलॉट किए गए थे, इस हवाले से भी एक जामे हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। तो मैडम अब इसमें क्या होना चाहिए? जो आपने बातें की बिल्कुल सौफी दुरुस्त है। अभी इनफैक्ट हमने ये भी डायरेक्शन, मैंने हदायत भी पास कर दी है, अभी हम कंटेनर्स यहाँ मंगा रहे हैं और यहाँ पर हम अपने ऑफिसेज LDA के इस्टेब्लिश करें, कैंप ऑफिस, ताकि यहाँ बैठ कर PHA वालों को भी हमने बुलाया, यहाँ दरख्त वगैरह लगाएंगे, जगह क्लियर करेंगे, डेबरी वगैरह, ताकि एक दफ़ा रेट ऑफ द स्टेट हम अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर लें और रूल ऑफ लॉ। इसमें हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो इतनी जो है गुड इंटेंशंस के साथ उन्होंने काम शुरू किया है और सुपीरियर जुडिशरी भी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट भी माशाल्लाह हमारे साथ है, तो अदालत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पूरा स्टेट अपेरेटिस इस वक्त रेट ऑफ द स्टेट के लिए मौजूद है। तभी मैं इधर खुद भी मौजूद हूँ, डिप्टी कमिश्नर हैं, DIG ऑपरेशन हैं, पुलिस का अमला है, LDA का पूरा स्टाफ इधर है, तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि किस तरह रेट ऑफ द स्टेट यहाँ। जिस तरह से जैन ने अभी कहा कि ये एक पूरा प्रॉपर प्लान के तहत माफिया, कब्जा माफिया सरगर्म होता है और काफी अरसे से सरगर्म है, अगर LDA के अहलकार भी इसमें मुलविस हुए तो क्या उनके खिलाफ भी चाराजोई उसी तरीके से, मनजम तरीके से होगी जिस तरह से कब्जा माफिया के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है? जी जाहिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हाईएस्ट लेवल से जब हुआ हुआ है, यहाँ पर एंटी करप्शन वालों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनकी भी टीम आई हुई है, दूसरी टीमें भी इस पर पूरी तरह से, जहाँ क्रिमिनल केसेज हैं वहाँ FIR दर्ज कराई जा रही है, एंटी टेररिज्म कोस्ट में केसेस गए हुए हैं, जहाँ करप्शन का एलिमेंट है वो एंटी करप्शन का महकमा भी पूरी तरह मुतहरिक है। अच्छा, उनको भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरह से डायरेक्शन दी हुई है
और वो भी पूरी तरह से मुतारक है हमारे। अच्छा मैडम, इसमें एक चीज़ है कि जब ये सोसाइटी बनाएगी तो अल्टीमेटली ये जो प्लॉट जिनके ऊपर कब्जा किया गया था, इनके लिए भी तो ये प्लॉट स्पेसिफिक ही होंगे कि क्या ये कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने उस सोसाइटी के मुताबिक इन प्लॉट का यूटिलाइजेशन करेगा या LDA इसके लिए कोई नए रूल्स बनाएगा कि यहाँ पर कोई मार्केट बनाई जाए या जिस तरह आप अरीना सेंटर बना रहे हैं उस तरह बना रहे हैं। असल में तो इन प्लॉट्स का स्टेटस क्लियर होना ज़रूरी है। सही कह रहे हो आप। इसके ऊपर अभी हमारी LDA की अथॉरिटी मीटिंग होगी, उसमें हम ये प्लेस करेंगे सारे ऑप्शन जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, कितनी अराजी वागुजार करवाई जा चुकी है? अभी मैं आपको ये बता सकते हैं, खुरम हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे आप ले लें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो भी हमसे बात करना चाहते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? लीगल प्लॉट है। क्या क्या था उसके ऊपर, प्लॉट के ऊपर क्या था? सिर्फ प्लॉट फर्नीचर बना हुआ, पूरा लाखों का बनेगा, करोड़ों का फर्नीचर पड़ा हुआ है। दुकान बनी है, घर बना है, क्या दुकानें बनी हुई हैं, वो सारा गिरा दिया गया, गिरा दिया सारा। क्यों गिरा दिया? नोटिस के अंदर भी नहीं है, और जो इसके अंदर हमारा प्लॉट नहीं है और हमारा कसूर क्या, ये बैठे जरा बुला के पूछे जरा। कैसे हम रहनुमाई लेते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? जैन से हम रहनुमाई लेते हैं। जैन, ये कहते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया है उसमें इनके प्लॉट का नंबर नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मदीहा एडिशनल डायरेक्टर जनरल है राणा अब्दुल शकूर, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो इनका ग्रेवेंस है ये सर, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये क्यों इस तरह मुजामत कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं? ये इस तरह है जी कि ये जो नोटिसेज जारी हुए हैं इसमें हमने ये एक TP की तरफ से जारी हुए हैं और दूसरा लैंड की तरफ से जारी हुए हैं। जहाँ पे तो लैंड जो है वो इलीगली ऑक्यूपाइड थी, वो उसका नोटिस था। और दूसरा ये है कि जहाँ पे ना कोई नक्शा पास करवाया गया है, ना कोई परमिशन ली गई है, इलीगल जो है ना इन प्लॉटों को यूज किया गया। आपने नक्शा पास करवाया कभी? हजारों दुकानें नक्शे पास के बगैर। आपने कभी करवाया? अंकल जी, आपने कभी नक्शा पास करवाया? पूरी मार्केट ऐसे। नहीं नहीं नहीं, आप अपना बताएं ना, कभी नक्शा पास करवाया? नक्शा पास नहीं हुआ। नक्शा पास करवाया? नक्शा नहीं पास हुआ। बहरहाल तो फिर ये चीज है। देखिए, ऑपरेशन दो तरह का है। एक तो लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर LDA की जमीन पे कब्जा जमा रखा है। एक वो कब्जा ग्रुप है जिन्होंने एक रिहायशी प्लॉट है वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर ली, एक रिहायशी प्लॉट है वहां पर बगैर नक्शा के अपनी तामीरात कर ली, तो क्या वो भी तो कानून के मुतजाद है? अल्टीमेटली जब मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन भी होगी, फिर उसके बाद दीगर मसाइल भी पैदा होंगे और फिर सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। तो ये जो ऑपरेशन, ये जो क्लीन लाहौर ऑपरेशन किया जा रहा है मदीहा, ये इन दोनों चीजों के खिलाफ है। एक वो जो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं जिन्होंने नक्शे पास नहीं करवाए, दूसरा ये लैंड ग्रैबर्स हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे साथ ADG साहब मौजूद हैं। सर, इसमें ये जिस तरह ये कह रहे हैं, आपने सिर्फ अखबार इश्तिहार दे दिया, क्या ये अखबार इश्तिहार ही ज़रूरी है या इनको पर्सनली भी नोटिस जारी किए गए? जी, हमने इस तरह है कि ये ना सिर्फ अखबार में इश्तिहार जारी करवाया बल्कि ये एक ना बड़ी विगरस मीडिया कैंपेन हुई है। और ये हमें पहले हदायत भी थी कि विदाउट नोटिस जो है ना आपने जाके कोई ऑपरेशन नहीं करना। और पिछले तकरीबन 15 दिन से तमाम पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एवरीवेयर ये जो है ना बताया जा रहा था कि जो लोग भी इलीगल ग्रैबर हैं वो रजाकाराना तौर पे अपने कब्जे खत्म कर लें। जिस तरह का ये इनकी शिकायत ये है कि हमारा नाम नहीं है लेकिन बेशक इन्होंने रक्षा नहीं पास करवाया, ऐसे लोगों को आपने किस तरह से काउंटर किया? हमने ये अखबार में दिया था। ये चूंकि ये आपके सामने आप देखें, ये पूरी मार्केटें कायम कर ली हुई हैं और उसकी वजह से ना सिर्फ ये हुआ कि ये राइट ऑफ वे भी इन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दिया हुआ था, इवन लोगों के गुजरने का रास्ता भी जो है ना बंद कर दिया। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में और बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है ना ये दुकानें जो है ना वो किया गया है। ना इनका जो है कोई किसी किधर से परमिशन है, ना कोई इन्होंने नक्शा पास करवाया है, तो इसलिए ये सारी जो है ना ये इलीगल जो है ना एक्टिविटी है। कौन सी दुकान का नक्शा पास हुआ है जी? क्यों, क्या क्या कह रहे हैं? 45 प्लाट का नंबर कहा हुआ है, हमारा 47 नंबर है, इन्होंने वो भी गिरा दिया। वो ये कह रहे हैं कि आपका नक्शा नहीं पास होता। जैन, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर किया इन लोगों का? इधर आपने 47C1 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, नहीं ना लिखा हुआ, 39 नहीं लिखा हुआ, हमारा 39 है, नहीं लिखा हुआ है ही नहीं, जिस जो प्लॉट को गिरा दिया आपने। आप एक चीज आपको क्लियर करनी है कि क्या देखें सर, हमें नोटिस तो दें यार कि अपना मटेरियल निकाल लो।
समय कम से कम ये तो कहेंगे यार क्या उसका नक्शा पास करवाया गया अगर नोटिस दो हमने तोड़ देना है नक्शा पास करवाओ नहीं है हमें नोटिस दो यार अपना सामान जो है निकल यही लूप होल हमें नजर आ रहा है कि जिनके पास सिर्फ नक्शे नहीं थे और जिनके पास ये मंशा पंप से उनका कोई ताल्लुक नहीं था उनका ये कहना है कि हमें नोटिस दिया जाता तो शायद आज हमारा सामान हम निकाल लेते और हमें कम से कम नुकसान होता करोड़ों का जो नुकसान है। देखिए असल में मदीहा ये है कि रोजाना की बुनियाद पर ऐसी इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। मीनवाइल आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से ऑपरेशन जारी है ये चीज समझ में आती है सर ये चीज समझ में आती है की बुनियाद पर एलडीए उन इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन करता है जिन्होंने नक्शा पास नहीं करवाया उनकी इमारतें जुजवी तौर पर तोड़ी भी जाती हैं उनको सील भी किया जाता है अगर तो इनके इनको नोट क्योंकि एलडीए का तो इसमें यही मौकफ है कि उन्होंने नोटिस इनको जारी किए हैं अगर तो इनको नोटिस जारी नहीं किए तो ये गैर कानूनी काम है इनको एलडीए के खिलाफ लाजमी अदालत में जाना चाहिए एलडीए के खिलाफ अपील करनी चाहिए लेकिन अगर उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है इनको नोटिसेस जारी हुए हैं तो अल्टीमेटली इनको नक्शा पास करवाना चाहिए था क्योंकि कानून की बालादस्ती करना हर शख्स का काम है वो नहीं करते पास ये पास नक्शा नहीं करते वो कहते हैं और क्या मतलब नोटिस तो कम से कम जारी करे कम से कम नोटिस जारी करे यार ये आपकी फिराया नहीं हमने अगर हम नहीं करें तो जो मर्जी करे कार्रवाई बाद में ये मौका आपने सुने यहाँ पर सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं आइए जरा उनका मौकफ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ऑपरेशन अपनी जेर निगरानी जो है वो करवा रहे हैं प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं मियां साहब आज आप यहाँ पे मौजूद हैं कोई दिक्कत कोई दुश्वारी किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है मेरा ख्याल है पहला तो यह है कि हमारा जो भी अमला है एलडीए का है पुलिस अफसरान है डीसी साहब भी यहाँ मौजूद हैं डीजीएलडी भी यहाँ मौजूद हैं ये बहुत आसान तरीके के साथ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने तमाम स्टाफ को भी पुलिस के लोगों को भी कि वो फुली एक टीम वर्क के तौर पर यहाँ पर काम हो रहा है और बड़ा मौसर ऑपरेशन है ये जगह वागुजार करवाई जा रही है और ये मुसलसल ये चलता रहेगा। अच्छा मियां साहब नून लीग की दौरे हुकूमत में हमने देखा नहीं है पंजाब में इस तरह कब्जा माफिया के खिलाफ आप उनसे टक्कर लें कब्जा माफिया से ऐसा क्यों था? देखिए ये मेरा ख्याल है कि इसमें चूंकि खुद हकूमती लोग अगर कब्जा ग्रुपों की पुष्टपनाई करेंगे तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी उन लोगों ने आंखें बंद किए रखी हैं और ये अरबों रुपए की लैंड है पूरे लाहौर के अंदर जो कब्जा ग्रुपों के जेरे उनके जेरे कब्जा है तो अब हुकूमत का ये फैसला है कि किसी किस्म का कोई दबाव या सियासी पुष्टपनाई वो आपको नहीं मिलेगी कोई दबाव हम कबूल नहीं करेंगे हुकूमत की रेट बहाल करेंगे और स्टेट की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो वागजार करवाएंगे। अच्छा मियां साहब इसमें एक चीज़ बताएं कि ये आप ऑपरेशन कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है हम इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या अभी कोई मैकेनिज्म बनाया गया मिसाल के तौर पर आज ये मशहूर ज़माना मंशा बम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्या जो लीगल कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा कोई एफ आई आर है पहले भी दर्ज हैं अब मजीद नई FIR भी दर्ज कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है वो मफरूर है और तमाम तर जो है ना वो कानूनी और लीगल तरीके के साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ वो करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं अपना सवाल मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अराजी वागुजार करवा ली इसके बाद भी आपने ऑपरेशन करने हैं अल्टीमेटली पूरे लाहौर से लैंड माफिया से ये जगह वापस लेनी है एक तो अराजी वागुजार करवा ली एलडीए ने अपना काम कर लिया फिर जो इतने अरसे से वो वहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ क्या उसके खिलाफ कोई FIR लॉन्च करवाई जाएगी? नहीं, मैंने आपको कहा कि उसके खिलाफ ना सिर्फ FIR लॉन्च करवाई जाएगी बल्कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा उसको एक मुजरम के तौर पर कटहरे में लाया जाएगा वो ज़्यादा देर तक मफरूर नहीं रह सकता और कानून की नज़र से नहीं छुप सकता भरपूर कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आज लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसका दर्जा हरारत भी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है अवामी रद्द अमल वैसा देखने को नहीं आया जिस तरह की अमूमन देखने को आता है जब भी तजावजात के खिलाफ या फिर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हो तो हमें देखने को मिला है माजी में कि पुलिस को भी बुलाना पड़ता है कभी कभी लाठीचार्ज भी हो जाया करता है कभी कभी आंसू गैस की शेलिंग भी करनी पड़ती है लेकिन आज इस तरह का कोई मंजर हमें देखने को नहीं मिला है काफी पुरसकून तरीके से ये जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। सुबह से जैन हमारे नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद थे मियां महमूद रशीद साहब की आपने बात सुनी है जैन से हम जानेंगे सुबह से यह क्या एक्टिविटीज थी और किस तरह की कोई मजम्मत देखने को मिली। जैन सुबह से आप यहाँ पे मौजूद हैं क्या आप देख रहे हैं किस तरह का ऑपरेशन है और जो ऑपरेशन आपने पहले कवर किए आज से पहले
उनमें और इनमें क्या डिफरेंस था। अच्छा मदिहा, सबसे पहले तो आपकी पहले वाली बात को मैं कैरी ऑन करता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि मुजाहमत का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, आज तो एलडीए के तमाम डायरेक्टर्स इधर हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इधर है, डेप्यूटी कमिश्नर इधर है, मिनिस्टर हाउसिंग इधर है, भारी मशीनरी यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे है, इन्फोर्समेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट है, यानी जितने भी इस वक्त लाहौर शहर के पास इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो तमाम आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्टीमेटली आवाम से ज़्यादा तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट का अमला है, तो मुजाहमत हो नहीं सकेगी। अब बात यह कि ये आज के बाद ऑपरेशन रुकना तो नहीं है। ये जो हमने देखा गैर फितरी अमल है कि तमाम एक अम्ब्रेला के नीचे जो इदारे हैं वो आ चुके हैं, ये कैसे हुआ? बिल्कुल, इसमें असल तो हमें सलूट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ये ऑर्डर दिया कि सबसे पहले ये जो मंशा बम ने कब्जा माफिया जहां पर बनाया और अराजी पर कब्जा किया हुआ इसको वागुजार करवाया जाए। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल करने के लिए आज सब यहां पर पहुंच गए। लेकिन अब मुस्तकबिल में जब ये ऑपरेशन होंगे तो क्या हर ऑपरेशन पर मिनिस्टर हाउसिंग वहां पर पहुंचेंगे? कतई तौर पर नहीं। क्या डीजीएलटी हर ऑपरेशन पर वहां पर पहुंचेंगी? मुमकिन ही नहीं है, उनकी मीटिंग्स है। तो फिर होगा अब ऐसे कि जब ये इस अराजी को वागुजार करवाने के लिए ये जब एलडीए का अमला जाया करेगा तो अल्टीमेटली वहां पर इनको मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है कि अगर आपने ये जगह को जो अक्वायर इस वक्त जगह है उसको वागुजार करवाना है, कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद करवाना है, तो अल्टीमेटली पुलिस को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और ये जो एलडीए का इन्फोर्समेंट है इसको एम्पावर करना पड़ेगा। अदरवाइज देख रहे हैं कि यहाँ पर सेमी कंस्ट्रक्टेड इमारत थी, मतलब किसी ने अगर यहाँ पर किराए पे भी बनाई है तो उसने ये जरूरत नहीं की कि यहाँ पे फुली कंस्ट्रक्टेड आप एक रेस्टोरेंट बना ले या घर बना ले। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हर किसी को पता था कि यहाँ पर कब्जा किया गया है। ये मदिहा टोटल 86 कनाल जगह थी, ये जो आपकी दाईं साइड है यहाँ पे नीलाम घर बनाया गया था और बाकायदा तौर पर जहेज के लिए यहाँ पर वो नीलाम घर बनता था और लोग चीज़ें खरीदते थे। ये जो सारी साइड है यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए गए थे, लोगों ने दुकानें बनाई हुई थी और यहाँ पर पुख्ता तजावजात थी। ये जो सारी थी ये बात करना चाह रहे हैं हमसे, आ जाइए बात करना चाह रही हैं खातून है। यहाँ पे प्लाट है, हमने रजिस्ट्री इंतकाल प्लाट है हमारा और बगैर नोटिस दिए, बगैर पसमार कर दिया है। किस वजह से? कम अज़ कम नोटिस देते और जिनके कागजात असल हैं उनको चेक करवाते हैं, उनको उससे पूछते हैं कि भी जिनके कागजात हैं वो लेकर आए। आपने किससे लैंड जो है वो परचेज किससे की थी? मैंने तो तीन चार जगह वो बिका हुआ है मैंने। हाँ मैंने तो जिस आपको मालूम है ये गैर कानूनी परचेजिंग भी यहाँ पर बहुत सारी की गई है। गवर्नमेंट का अदारा है कि रजिस्ट्री इंतकाल पटवार खाना ऐसे नहीं होता, वो कम अज़ कम उनके पास एक खाता होता है, उनके पास नक्शा होता है जिसमें से उन्होंने इंतकाल चढ़ा। आपकी कितनी जमीन थी? मेरी 6 मरले। 6 मरले कितने में खरीदी थी? मैंने उस वक्त खरीदी थी 50 लाख रुपए में। 50 लाख। अच्छा क्या कहेंगे, 50 लाख खातून ने खर्च किया? अगर तो वो जगह गैर कानूनी थी तो इनका 50 लाख मुझे ऐसा लगता है कि जाया हो गया है। लेकिन अब देखें मदिहा, इसमें भी चीज़ ये है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए। लोग क्या करें फिर, क्योंकि मेहनत की कमाई है, क्या करें? इनके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए कि एलडीए का जो स्टेट मैनेजमेंट का अमला है जिन्होंने यहाँ पर आकर प्लॉटों की निशानदेही करनी है उनको यहाँ पर अपनी फाइलें लेकर आना चाहिए ताकि अगर इन लोगों के जो मसाइल हैं जो ग्रेवियंस हैं वो तो दूर किए जा सकें। यही नहीं कि आप बुलडोजर ऑप्शन है। अच्छा ये खातून हमारे पास आई, इनके लिए कोई ऑप्शन है? कानूनी राय निकलती? इनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके एलडीए के दफ्तर में जाना चाहिए। वहाँ पे जो डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट वन है जिनकी पास ये इस पूरी अराजी का कंट्रोल आता है उनसे मिलना चाहिए। और अगर तो ये हक पे हुई और इनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट हुए तो हम भी इनकी सपोर्ट करेंगे, हम इनकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं। लेकिन अल्टी पता क्या होता है, ये जो कब्जा माफिया होता है और ये जो रजिस्ट्रियाँ बनाने वाले होते हैं ये एक पूरे ग्रोह का नाम है और आपने ये खबर अक्सर देखी होगी कि जाली फाइलें बन गई। ये जाली फाइलें भी बनाने का इसी तरह कारोबार होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर लोगों के पास ओरिजिनल फाइल्स हैं तो उनसे उनका हक तो कोई भी नहीं छीन सकता। मुझे इजाजत दीजिए, बहना जरा मेरी बात सुनेगा। अब आप जाएंगी रुख करें कि एलडीए के दफ्तर? मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी, मैं वो लेकर आई हूँ, मैं वो लेकर अब एलडीए जाऊंगी। मुझे कोई सही गाइड कर दे प्लीज, मुझे कहाँ जाना है। जैन ने बात की वो आपको समझ आई, आपको समझ आई है, लेकिन वहाँ एलडीए में किस जगह जाकर वो मिले? स्टेट मैनेजमेंट खुरम याकूब को मिले और अपना मसला उनको बताएं ताकि आपका मसला किस कि ये जी ये फेक है डॉक्यूमेंट्स, तो हमारे पैसों का कौन जिम्मेदार होगा? देखें ये इसके ऊपर तो एक बाकायदा तौर पर एक कमीशन बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह एलडीए के पास एक ऑलरेडी बोनाफाइड कमीशन चल रहा है तो इसके ऊपर अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि वो लोग जिनके पैसे यहाँ पर ज़ाया हो गए हैं उनका इसका अजाला किस तरह करना है। देखें
अगर अगर इनका 50 लाख है तो वो बंदा जिसने फेक डिग्री बनाई है इनकी और फेक ये जो कागजात बनाए हैं उसको चाहिए कि इनको पे करवाए, और ये कौन करवाएगा? ये अल्टीमेटली इन्फोर्समेंट अदारे करवाएंगे, अथॉरिटीज़ करवाएगी, और अदालत को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने यहाँ पर अपने पैसों से ये आकर अराजी खरीदी है उनके साथ अब उनका कौन अजाला करेगा। एक यहाँ पे भी केस है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं मुझे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा प्लाट है, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पैसे दिए इनको। कितने पैसे दिए आपको, कितना आपका प्लॉट? 60 लाख रुपए का खरीदा है, 2008 में खरीदा है हमारे पास। और मरला कितना? ये 7 लाख रुपए मरला, 6 लाख रुपए मरले के खरीदा। कितने मरले आपके साथ? 12 मरले जगह है, 6 लाख रुपए मरले के हिसाब से खरीदी हुई है। अच्छा। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास। आपको लगता है PIA जैसे इतने डेवलप्ड सोसाइटी में 6 लाख मरला रीजनेबल लगता है? देखें, ये जिस बंदे का नाम है ना मंशा बम, उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि वो फेक डिग्रीज बनाता है और फेक डॉक्यूमेंट बनाता है। इसी तरह मैंने आपको बताया ये लैंड माफिया के एक बड़ा पचीदा निज़ाम होता है कि उस आपका नाम मोहम्मद शोएब, मेरा नाम मोहम्मद शोएब, क्या कर सकते हैं आप? इनको भी चाहिए कि अपने ये डॉक्यूमेंट लेके LDA के जी मदीहा, ये जो इनके पास बयानामा है इसको लेकर ये LDA के वन विंडो पर जाएं और जाकर दरख्वास्त दें कि ये मेरा प्लॉट है, मैं इसका मलकियत हूँ। और क्या आपके पास LDA का अलॉटमेंट लेटर? ये इधर रजिस्ट्री इंतकाल है, LDA ये प्राइवेट में रजिस्ट्री इंतकाल चलती है। हाँ जी, वो रजिस्ट्री आपके पास है और ये इंतकाली हमारे पास भी मौजूद है। आपको ये अपना रजिस्ट्री और इंतकाल के कागजात लेके LDA के वन विंडो पर जाएं और वहाँ पर जाकर दरख्वास्त दें, ताकि अगर तो ये आप भी दिखा दे है प्लॉट तो फिर आपका नाम भरने का उदास अंदर जी। मेरा नाम नबीला शफीक, ये मेरे बेटे की। अच्छा, ये सबके पास। अच्छा, मैं ये आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कैमरे में दिखाएं अपने डॉक्यूमेंट्स, और हम साथ साथ हल भी बता रहे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, एक क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए ताकि इनके काम भी आ सके रिमार्क्स और हम अपने प्रोग्राम में न्यूट्रल भी रह सके। मदीहा, इसमें तब जब तक इनके ये जो ये जितने रिजर्वेशन है इनका तब तक अजाला नहीं हो सकता जबकि इसमें LDA पार्टी ना बने। LDA को इसमें पार्टी बनना पड़ेगा, LDA पार्टी बनेगा, LDA इनके मसाइल सुनेगा तो फिर उसके बाद ये किसी तरह ये हल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज LDA ने तो आज अपनी जगह वागुजार करवा ली है, उन्होंने तो कल यहाँ पर आकर कंटेनर लगा देने हैं, फिर उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा। इनको चाहिए कि अभी ये अपने कागजात लें, LDA वन विंडो सेल पर जाएं और वहाँ पर जाकर इसकी कानूनी लड़ाई लड़े। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत अहम बातें हो रही हैं, हमने तमाम तर अथॉरिटीज से तो बात की, लेकिन वो मजलूम लोग जो पैसे देकर जमीन खरीदते हैं उनके साथ जो नाइंसाफी होती है उनको क्या करना है ये भी हम बयान करें। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद यही केसेस आपके सामने लेकर आएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।